आज हम आए हैं नंदगिरा वार्ड 6 में और जो वहाँ की पार्षद है आपका माया देवी जी, उनसे हम बात करेंगे 5 साल का उनका सफर कैसा रहा और विकास कितना हुआ है वार्ड में, आज उनसे हम चर्चा करेंगे। पार्षद जी आपका हमारे जो स्पीक हूँ आपका स्वागत है। नमस्ते सभी साथियों को, मैं माया देवी वार्ड नंबर 6 की पार्षद जी। पार्षद जी हम आपसे मुलाकात करेंगे वार्ड को लेकर कि जो वार्ड में आपने 5 साल आपने दिए हैं और 5 साल में आपने कितना विकास कराया और कितना विकास रह चुका है, उस चीज में आपको चर्चा करेंगे। विकास इतना हुआ कि शायद मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन फिर भी जो दिल की वो है वो रहती है कभी कहीं ना कहीं, अभी भी मेरे दिल में ये है कि अभी मेरे हिसाब से काम रह रहा है। अच्छा, तो पहले ये आपके पार्षद बनने से पहले ये कैसा वार्ड था, इसकी कैसी स्थिति थी? जब मैं चुनाव लड़ी तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो यहाँ 25 साल से वसापत हुई भाई, 25 साल के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। गलियां बिल्कुल ऐसी, नाली बहती रहती थी, सीवर लैट्रिन बहती रहती थी। जब मैं प्रचार करने जाती थी तो मेरे दिल की आवाज ये थी कि अगर अब की बार मुझे चुनाव जीत गया, जनता का प्यार मिला, तो मैं सबसे पहले जहाँ कंडीशन ज्यादा खराब है वहीं काम करूंगी। मुझे जनता का प्यार मिला, मैंने वहीं पहले काम कराया जहाँ जरूरत थी। जो एक नाले को लेकर हमेशा मुद्दा बना रहा है, या विधायक का रहो पार्षद का रहो, वो एक नाले को लेकर मुद्दा बहुत रहा है, उस नाले को लेके आपको क्या कहना है? उस नाले का जो है, हर बार विधायक का चुनाव हो तो उस पर राजनीति होती थी, सांसद का चुनाव हो तो राजनीति होती थी, पार्षद का मेयर का चुनाव होता था, लेकिन अब की बार मैंने उसका कलेश ही काट दिया। मैंने जो है आत्महत्या करने का किया नंदीग्राम नगर निगम में, जनता ने मेरा साथ दिया और मैंने वहां पे जाकर उसकी आवाज उठाई और वो काम पास हुआ और नाला बन गया। अभी थोड़ा सा रह रहा है लेकिन नाला बन गया। नाला बनने के बाद कितनी आपके प्रयास रहे, कितनी आपके संघर्ष रहा उस नाले को लेके? बहुत ज्यादा, आप यही अंदाजा लगा लीजिए, अगर मैं आत्महत्या देने का वो कर रही हूँ तो संघर्ष तो रहा ही होगा। जी जी, तो मैंने संघर्ष किया उसके लेकर, लेकिन मुझे सफलता मिली है, मुझे ये खुशी है। अगर आपको 5 साल अगर जनता का दोबारा प्यार मिलता है तो आप उसमें क्या करना चाहोगे जो आपके लिए रह गया है काम? मुझे अगर जनता का, पहली बात तो मेरे यहाँ ओबीसी सीट है, अगर मेरी सीट होती है ऐसी तो मैं चुनाव लड़ूंगी जी। और नहीं तो जो चुनाव क्या कहते हैं ओबीसी सीट है, नहीं मैं अपने सहयोगी को चुनाव लड़ाऊंगी। और अगर मैं चुनाव लड़ी तो मेरी जो दिल की इच्छा है वो ये है कि मैं एक इंटर कॉलेज लड़कियों का बनवाऊं, एक 10 बेड का अस्पताल और एक जो सीवर लाइन रहेगी अभी कुछ एरिया में वो सीवर लाइन डलवाऊंगी। और ये मेरी इच्छा है, ये काम करवाऊं मैं। अभी चुनाव दूर है, अभी 2-3 महीने अभी टाइम नहीं है। अभी आपका जो अभी काम चल रहा हो, करंट का कोई काम हो जो अभी चल रहा हो, पूरा काम नहीं हुआ हो उसमें आप? मेरा काम अभी भी 3-4 काम चल निकले हैं, 3-4 काम अभी होने वाले हैं। गणेश रोड बदरपुर वाले के यहाँ से लेकर कुशवा के यहाँ तक काम है, हैप्पी मॉडल से लेके RD त्यागी के यहाँ तक काम चलने वाला है, टेंडर पास हो गया है वो काम चालू होने वाला, 2 काम हो रहे हैं, एक साइन क्लेव का वो भी होने, वो भी उसमें क्या टेंडर में डलने वाला, एक दीनदयालपुरी का है वो भी टेंडर में डलने वाला, एक मेरा नाला है छोटा वो नाला मेरा आधा बन गया, आधा भी रह रहा है जी। आपका कहना है कि अगर SC में सीट होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर OBC सीट आई है OBC में आप अपने किस सहयोग को लड़वाना चाहोगे तो उसमें आपको क्या सहयोग रहेगा? उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा और मैं यही चाहूंगी कि मेरा जो है सहयोग है वो जीते। आपने सुना जो 5 साल का विकास था वो पार्षद जी ने बता दिया है माया देवी जी ने, और उनका यही है कि अगर OBC में सीट है तो अपने सहयोग को लड़ाएगी, उनका पूरा सहयोग रहेगा उसे जिताने के लिए। कैमरामैन के साथ रविवार के साथ विक्की बाबू।